हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी होम्योपैथी की एक मेडिसिन जिसका नाम है चेलिडोनियम। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेलिडोनियम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। टिंचर एंटायर जो फ्रेश प्लांट होता है उससे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि जो कुछ मेडिसिन होती है वो ड्राई प्लांट से प्रिपेयर होती है, लेकिन ये फ्रेश प्लांट से होगी। ये उस टाइम प्रिपेयर की जाएगी जब इसमें फ्लावरिंग हो रहा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, कौन से ऑर्गन्स में इसके बेस्ट रिजल्ट है। तो सबसे ज़्यादा तो ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लीवर का कोई भी अफेक्शन है, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए चेलिडोनियम बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ अगर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई डिजीज़ है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब चेलिडोनियम का जो पेशेंट है वो दिखने में कैसा होगा। चेलिडोनियम का जो पेशेंट है वो ऐसे कह सकते हो कि आप कम्प्लीटली येलो कलर का ही दिखेगा आपको। जो उसका फेस है वो येलो होगा, उसकी आईज है वो येलो कलर की होंगी, उसके जो हाथ और पैर, जो स्किन है ओवरऑल वो येलो ही होगी। आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन बहुत ज़्यादा पेल है, बहुत ज़्यादा येलो है। मेंटली ये बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, मतलब जिनको अफ्रीकी एडवाइस देने का शौक होता है, ये हमेशा एडवाइस देते रहेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। कभी किसी काम से कोई पर्सन ने कुछ काम किया तो वो उसको अप्रिशिएट कम करेंगे और एडवाइस ज़्यादा देते हैं कि इससे बेटर आप ऐसा काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिलियस टाइप के ये पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ये चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं लोग इनकी बात सुने। अगर ये किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर किसी को कुछ बात बता रहे हैं तो वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ उसे सुने नहीं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो इतने ये डोमिनेटिंग लोग होते हैं। चेलिडोनियम का जो पर्सन होगा वो बहुत ही डोमिनेटिंग फादर या फिर मदर होंगे जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ उनका कहना माने, जैसा वो कह रहे हैं उस हिसाब से उनके बच्चे चले, अपने हिसाब से वो बच्चों को कुछ भी नहीं करने देते। तो इस टाइप का चेलिडोनियम का पेशेंट होता है। चेलिडोनियम एक राइट साइडेड रेमेडी है, मतलब ये लाइकोपोडियम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है क्योंकि इसके लीवर के सिम्टम्स हैं और साथ ही साथ ये राइट साइड में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो राइट साइड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। राइट निमोनिया की प्रॉब्लम है किसी को तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। राइट शोल्डर पर अगर पेन है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई भी प्रॉब्लम अगर राइट साइड में हो रही है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। चेलिडोनियम के पेशेंट का जो फीट होगा वो बहुत ही कोल्ड होगा, एकदम आइसी कोल्ड। अगर आप टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आइस टच कर लिया, इस हद तक का उनका जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड रहते हैं। चेलिडोनियम के इफ़ेक्ट्स रिमार्केबल है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम्स ये कि इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो एकदम फिक्स्ड होंगे। कोई पेन है तो वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। इनको पेन हमेशा राइट साइड में होगा, राइट शोल्डर में इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, जो राइट शोल्डर ब्लेड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको पेन होगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। राइट शोल्डर में पेन इनको तब होगा जब इनको जॉइंटिस की प्रॉब्लम होगी, इन्हें कफिंग हो रहा होगा, डायरिया की प्रॉब्लम होगी, निमोनिया की प्रॉब्लम होगी, इनको मेंसेस आएंगे, तो उस टाइम इनको सबसे ज़्यादा राइट शोल्डर में पेन होने लग जाएगा। ये मेडिसिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइकोपोडियम से बहुत ज़्यादा मैच करती है। लाइकोपोडियम भी लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और साथ ही साथ राइट साइडेड मेडिसिन भी है। तो चेलिडोनियम भी इसी टाइप से राइट साइड में बहुत अच्छा वर्क करती है और लीवर के लिए एक टाइप से आप टॉनिक इसको मान सकते हो। चेलिडोनियम के पेशेंट को राइट साइड में पेन होगा, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल पेन होगा, उसको न्यूरेल्जिया की प्रॉब्लम होगी, राइट साइड में जो आईज के ऊपर का एरिया है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। राइट साइडेड निमोनिया है, अगर लंग्स में कोई डिजीज़ है, राइट लंग में है स्पेशली, लेफ्ट में नहीं, तो उसके लिए आप चेलिडोनियम दे सकते हैं। लंग्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि लंग्स में निमोनिया हो गया या फिर लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन है, कफिंग की प्रॉब्लम है, उसके वजह से अगर किसी को लीवर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मतलब वो पेन अगर उनको लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो आप उसके लिए चेलिडोनियम दे सकते हैं। उसके नीचे भी अगर ये पेन रेडिएट हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अगर आपके लंग्स का जो पेन है वो धीरे धीरे आपके हिप्स पे चला जाए, थाइस पे चला जाए, फिर नीचे पूरा लेग्स पे चला जाए, फीट तक चला जाए, तो आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। चेलिडोनियम के पेशेंट का जो माउथ होगा उसमें हमेशा उनको बिटर टेस्ट आएगा। उनको ऐसा लगेगा कि कुछ उनके मुंह के अंदर कुछ कड़वा कड़वा सा है, इस टाइप का उनको बिटर टेस्ट रहेगा। उनकी जो टंग होगी उसमें बहुत ही ज़्यादा थिक कोटिंग होगी, येलो कलर की थिक कोटिंग होगी, और उसके पास में जो मार्जिन है वो रेड कलर की होंगी। इनकी जो टंग है जिसमें येलो कलर की कोटिंग है, थिक कोटिंग है, तो उसमें इनके टीथ के इंप्रेशन भी आपको ईजिली दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका फेस काफ़ी ज़्यादा येलो होगा, जो स्किन है बहुत ज़्यादा येलो होगी, आईज इनकी बहुत ज़्यादा येलो होगी,
एक्सट्रीमिटीज़ भी इनकी येलोइश कलर की होगी। ऐसा नहीं है कि खाली इनका एक्सटर्नल जो पार्ट है वही येलोइश होगा, इनके जो एक्सक्रीशन है, जो इनका एक्सक्रीटा है वो भी येलो कलर का होगा, जो स्टूल है वो येलोइश कलर का होगा, और जो यूरिन है वो गोल्डन येलो जैसा दिखेगा, या फिर जो लेमन येलो होता है उस टाइप का दिखेगा, या फिर वो डार्क ब्राउन भी हो सकता है। चेल्डोनियम के पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम होगी, नॉजिया की प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग होगा, उनको रिलीफ मिलेगा जब वो हॉट फूड या फिर ड्रिंक लेंगे, मतलब अगर वो ठंडा खाना खाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनको हॉट ड्रिंक या फिर हॉट फूड दिया जाए। जब भी उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग, नॉजिया, तो जब वो खाना खाएंगे, जैसे ईटिंग है, तो उससे उनका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी, उनको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि उन्हें रिलीफ मिल चुका है। चेलिडोनियम फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के लिवर में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है, वो कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जैसे ही खाना खाता है तो खाना बाहर निकल जाता है, अगर वो पानी भी पीता है वो भी उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। अगर किसी को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में बार बार उनको स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। चेलिडोनियम लिवर पे तो बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही साथ इसके लंग्स पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स है। कोई भी पेशेंट को अगर निमोनिया की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ उनको लिवर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कफिंग की प्रॉब्लम है, और कफ जो है वो राइट साइड, मतलब जो राइट लंग है वहाँ पे उनको होता है, राइट साइडेड चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है, राइट शोल्डर में इनका जो पेन है वो रेडिएट हो रहा है, या फिर जो एब्डोमिनल रीजन है, राइट एब्डोमिनल रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, वहाँ पे अगर इनको पेन रेडिएट होता है, कोई भी अगर लंग्स की प्रॉब्लम लीवर तक पहुंच जाए, लीवर के लिए कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर दे, तो वहाँ पे आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। चेलिडोनियम को आप एक टोनिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लीवर बहुत ज़्यादा वीक है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम रहती है, आप जो खाना खाते हैं वो आपको नहीं डाइजेस्ट होता, आपका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंटेड रहता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, कुछ भी खाना आपको पचता नहीं है, आपको एब्डोमेन में पेन होता है राइट साइडेड, आपके जो बोवेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश है, मतलब अच्छे से आपके बोवेल्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बोवेल्स बहुत ज़्यादा स्लगिश है, बहुत स्लो है, अच्छे से वर्क नहीं करते, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं वो नहीं डाइजेस्ट होता, आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका जो स्टूल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, एकदम ब्राइट येलो कलर का है, उसको एक्सपेल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, इस टाइप का अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, डायरिया में जो स्टूल है, मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो एक्सक्रीशन है वो पूरा येल्लोइश होगा, तो बहुत ही ज़्यादा येल्लो कलर का इनका स्टूल होगा और बहुत ही ऑफेंसिव होगा, इनको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग होते रहते हैं, पहले डायरिया होगा फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, इस टाइप का इनका जो मोशन है वो चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थे चेलिडोनियम के इफ़ेक्ट्स। सबसे ज़्यादा ये लीवर और जो लंग्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, आप इसको एक टाइप का लीवर टॉनिक समझ सकते हैं। अगर आपको इनडाइजेशन से या फिर एब्डोमिनल रीजन में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, या फिर आपको पेन रहता है एब्डोमेन में, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर आप चेलिडोनियम यूज़ कर सकते हैं। ये मदर टिंचर फॉर्म में आता है, इसको आपको 10 से 15 बूंद आधा ग्लास पानी में डाल के दिन में 2 टाइम लेना होगा, इससे आपके सारे जो भी लीवर अफेक्शंस हैं, जो भी लीवर की आपको बीमारी है, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था चेलिडोनियम के इफ़ेक्ट्स और उसके यूजेस। होप आपको चेलिडोनियम काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।